लॉकडाउन के बाद से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने लगा है। उससे पहले ट्रैफिक नहीं था इतना, तो 8 घंटे तक ट्रैफिक रहता था। तो हे गाइस, कैसे हो? फिर से आज एक न्यू ब्लॉग के साथ, और बहुत जल्दी आया उस ब्लॉग को लेकर। तो अभी क्या है, देखो गाइस, अभी मैं निकल रहा हूँ गांव के लिए। ऑब्वियसली अभी गांव के लास्ट ब्लॉग में बोला था कि गांव के लिए निकल रहा हूँ मैं, तो निकलने वाला हूँ कुछ दिनों में, तो फाइनली आ गया, आज मैं जा रहा हूँ। तो अभी राइट नाउ अभी 12 बज रहे ऑलमोस्ट थोड़ा, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी बहुत सारे काम है, पहले काम ख़त्म करता हूँ फिर आपको मिलता हूँ। मतलब अभी बहुत सारे पैकिंग करना, देखो जो बैग पड़ा हुआ है, अभी कपड़े से रखने हैं बहुत सारा है, मतलब अभी बहुत काम है। अभी जो बर्तन भी धोना है मेरे को, तो बहुत सारा काम है, तो मिलता हूँ मैं बाद में, ठीक है। ए फ्यू मिनट्स लेटर, सो जो भी मेरा काम था सब हो गया, घर का जो भी था। और अभी जो बैग में सब अभी सब सामान रखने हैं, तो अभी मुझे देखना है ये बैग जो है कुछ इतना थोड़ा सा छोटा है, बट इसमें देखते हैं हमारे पापा और मेरे इसमें सामान आ सकते हैं कि नहीं आते। कपड़े और सामान बहुत कुछ है अभी थोड़ा, तो वो देखते हैं। अभी नहीं हो तो दूसरा बैग निकालना पड़ेगा ऊपर से। तो अभी रिसेंटली तो 1 बज रहे अभी, तो अभी फटाफट से पैकिंग कर दो, फिर आपको मिलता हूँ फिर से। तो गाइस, हम लोग रावे पे पहुंच गए थे, इसका देखो सबको मैं दिखाता हूँ। बहुत सारे बसेस आ चुके थे, देख सकते हो। तो हमारी बस आने वाली है, 5 बजे हम लोग आए एक्चुअली। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ एक मिनट। एंड देयर वी गो अगेन वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स लॉस्ट इन न्यू प्लेसेस living new faces diving deeper in the world I'm on the road into the unknown. तो गाइस, राइट नाउ अभी हम लोग अभी हाईवे पे, और नॉइज़ आ रही है, तो उसके लिए माफ़ करना, बिकॉज अभी क्या करते थे, बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आ रही है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ही है। और अभी फ़ोन किया तो मालूम पड़ा कि 6:30 बजे हम लोग अभी राइट नाउ जो टाइम हो रहा है कुछ राइट नाउ जो टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं, 6:41 हो रहा है। और अभी हमने जस्ट फ़ोन किया थोड़ी देर बाद, तो मालूम पड़ा कि गोट बंदर तक ट्रैफिक होता है ब्रिज पे, उधर फंसी हुई थी। अभी लिखनी नाई गाँव तक आई है, अब देखते कब तक आती है। हम लोग अभी रोड पर इतनी इधर है रुके हुए हैं, तो देखते कब तक आती है। और जो गोट बंदर जो ब्रिज है ना, उसके लॉकडाउन के बाद से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने लगा है। उससे पहले ट्रैफिक नहीं था इतना, पता नहीं, मैं जब अंधेरी जाता था, अंधेरी जाता पापा के साथ, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता था, 8 घंटे तक ट्रैफिक रहता था। तो अभी देखते क्या सीन है, और थोड़ा लाइट नहीं है तो उसके लिए माफ़ करना, बिकॉज कैसे क्या दिख रहा है मुझे नहीं मालूम। तो जो भी ये देखते हैं, कुछ बस आती है कहाँ पर, हम लोग उठते हैं, वापस होटल कब आएगी, क्या खाने का खाएंगे, तो कंटिन्यू करता हूँ सीधे, ठीक है, नॉइज़ के लिए इग्नोर करना। तो गाइस, हम लोग एक बॉर्डर तक आए, क्या पता नहीं क्या है, अभी इधर ट्रैफिक है। क्या ही बना है भाई, होटल पे आ चुके हैं। ऐसा कुछ सीन है, वैसे हमारी बस तो कौन सी है, ये वाली जो, ठीक है। तो अभी हम लोग होटल पे आए, अभी जस्ट आया, मतलब राइट नाउ अभी टाइम हो रहा है कुछ 10:06 मिनट, तो राइट नाउ अभी 10:06 मिनट हो रहे हैं, और अब भी खाना खिला रहे हैं इन लोग।
तो अभी भूख भी बहुत ज़्यादा ही लगी, तो मैं खा के फिर मैं तो आपको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। चाय पी रहे हैं, और थोड़ा ठंडी लग रही है। 7 hours later. So hey guys, अभी हम लोग उतरे हैं चाय पीने, मतलब अभी सुबह उतरे हम लोग, अभी कुछ 7 बज रहे हैं, 6:58 और हम लोग चाय पीने उतरे। अब हमने रतनपुर बॉर्डर जो है क्रॉस कर दिया राजस्थान का, तो हम लोग पहुँचने वाले थोड़ी देर में घर, तो अभी थोड़ा टाइम है, तो अभी एक तो होटल है और बस खड़ी है, तो अभी हम लोग थोड़ा पीछे आप देख सकते हो सीनरी, तो बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग चाय पीते हैं, फिर हम लोग निकलते हैं फिर से। इस ठंडी भी है यहाँ पर, अभी कुछ ज़्यादा भी नहीं है और थोड़ी बहुत ठंडी लग रही है, 18 डिग्री सेल्सियस अभी ठंडी है, ज़्यादा कुछ ठंडी नहीं लग नहीं रही ऐसे, तो मतलब समझ सकते हो एसी इतनी ठंडी है, मतलब जो भी है अच्छा ही है। मिलता हूँ मैं आपको। जो कुछ खा रहे हैं, नाश्ता वास्ता भी कर रहे हैं। Flying to the mountain, all across the ocean, and there we go again. Walking these streets, passing new places, feeling new faces, diving deeper in the world. फाइनली गाइस हम लोग उतर गए, मेरे को हमारे डेस्टिनेशन में जिधर हम लोग उतरना था आमेट पे, हम लोग उतरे बस स्टॉप पर जिधर हमारी गाड़ी सब खाली होती है, तो वहाँ पर हम लोग उतर गए अभी। तो अभी अब जो पापा ने मतलब भाई को फ़ोन किया था, भाई बाइक लेके आया था, गाड़ियाँ मिल नहीं रही है जो कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने शायद चालू नहीं किया बसेस, तो बसेस चालू नहीं है वैसे तो, आई थिंक 1-2 चालू रहेगी, वो भी मतलब इधर आती आती तो नहीं है, बस स्टॉप पे आती रही। और पर्सनल गाड़ियाँ कुछ 300 रुपये ले रही है, जबकि हम पापा और मैं दोनों ही हैं, उसका 300 रुपये ले रही है, जहाँ कि यहाँ से कितना 15 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, तो महंगा पड़ रहा है। तो मेरे पापा ने फ़ोन किया भाई को, भाई आ रहा था, तो भाई आया, पापा ने उसको उधर डेस्टेक्ट और बस स्टॉप पर छोड़ा, तो देखते तो कोई गाड़ी वीडी मिलेगी, बस मिलेगा तो, और फिर पापा ने उसको छोड़ा उधर, अभी मेरे को लेने आ रहे, उधर सामान है अभी देख सकते हो उधर, तो जैसा भी देखता है हम लोग पहुँच गए थोड़ा। अभी राइट नाउ भी कुछ 12:50 हो रहा है, मतलब 1 बजने ही वाला है कुछ, तो पूरा दिन गया तो वैसे, तो मैं घर पे आके कंटिन्यू करता हूँ, अभी थोड़ा मस्त हवा आ रहा है इधर, तो अभी रुका हूँ मैं, चलो मिलता हूँ आपको घर पे जाके। सो आई गाइस कैसे हो, राइट नाउ मैं अभी हूँ घर पे, मतलब घर पे पहुँच चुका हूँ, मतलब अभी राइट नाउ अभी खेत में हूँ मैं, मतलब घर पे पहुँच गया अभी राइट नाउ, अभी टाइम हो रहा है 5:05 और घर पे 2 बजे पहुँच गया था, तो पीछे देख सकते हो अभी मैं खेत में व्यू देखिए, बहुत ही बढ़िया व्यू भाई, व्यू तो देखो बस, बहुत ख़तरनाक व्यू है। तो अभी हम लोग खेत में आए थे भैंस को लेने, भैंस होती है जो इनको लेने आए थे, लोग चारा खा रहे थे इधर, तो यहाँ तक ये ब्लॉग था, तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर देना, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को नए हो तो, और शेयर करना ब्लॉग को, और कमेंट करके बताना कैसा क्या लगा, मिलता हूं एक्साइटिंग ब्लॉग में। Memories all around, tears are flowing down, it's time to say goodbye.